रेनबो कलर्स के लिए क्या कुछ नहीं किया। सबसे पहले ब्लू कलर की इडली खाएंगे हम। तो ये प्रीहीटेड ओवन के अंदर गया मेरा केक। पता नहीं रेनबो कलर्स कहाँ से इस तरह से आ गए हैं। हे गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं ज्योति और स्वागत करती हूं आपका ग्लैम पेपर्स में। गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली है। पीछे आप बैकग्राउंड देख करके समझ गए होंगे, राइट? आपने सही सोचा। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये है एक चैलेंज वीडियो, रेनबो कलर चैलेंज। सारा दिन मैं कलरफुल खाना खाने वाली, जितने भी कलर्स होते हैं ना रेनबो में, वही मेरे साथ साथ चलने वाले हैं रात तक। कोशिश करूंगी सारा दिन सिर्फ कलरफुल चीजें खाऊं, कलरफुल कपड़े पहनूं, मेकअप वैसा करूं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी जितने भी कलर्स मैं अरेंज कर पाई, ला पाई, क्योंकि सारे कलर्स तो मुझे नहीं लगता लाना पॉसिबल हो पाएगा। पीछे आप देख सकते हो बहुत सारे कलर्स मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं। कुछ कलर आपको मिसिंग तो नहीं लग रहा ना? एक कलर ये जो मैंने लगाए हुए हैं ना, ये वायलेट कलर नहीं है, पर इसे मैंने वायलेट कलर की जगह रखा है। तो इसी तरह सारा दिन में जो भी कलर्स थोड़े कम ज्यादा होंगे ना, वो थोड़ा सा इधर उधर करके मैनेज करूंगी। एक चीज आपको दिखा देती हूँ, मोबाइल का कवर भी शुरुआत में ही मैंने कितना सुंदर रेनबो कलर का ले लिया है। ये मेरा नहीं है, मेरे बेटे का है, मैंने चुपके से लेकर आई हूँ। वो पढ़ रहा है तो मैंने सोचा ये वाला एक बार आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत प्यारे प्यारे कलर्स है। कल से ही मेरी नजर थी इसमें, और जैसे ही वो पढ़ाई में थोड़ा सा बिजी हो गया ना, मैं इसे उठा करके ले आई हूँ और सोचा कि इसे भी क्यों ना इस्तेमाल कर लिया जाए इस वीडियो में। तो बस ये देखिए रेनबो कलर से मैंने शुरुआत कर ली है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो को पूरी देखिएगा। आर्यन भी मेरा साथ दे रहा है, कुछ दूर तक वो मेरा साथ देगा, उसके बाद वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। यानी कि वो आधे तक साथ देने के बाद थोड़ा सा यू नो लेजी हो जाएगा, नहीं आएगा वीडियो में, तो फिर मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगी। तो चलिए जल्दी से वीडियो को देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है ये। तो रेनबो कलर फूड चैलेंज शुरू होता है, और सबसे पहले ज़रूरी था अपने घर को थोड़ा सा सजा लेना, वो भी रेनबो कलर्स में। तो ऐसा कुछ तो मेरे पास था नहीं, पर मेरे बहुत सारे दुपट्टे थे कलरफुल, तो मैंने सोचा क्यों ना उन दुपट्टों के साथ ही ये जो विंडो में जगह बनी हुई ना, यहाँ पर सजा लिया जाए, जो कि बहुत सच में ज़्यादा खूबसूरत लगने लगा था। मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा अच्छा लगेगा, इतना ज़्यादा कलरफुल खूबसूरत लगेगा। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। साथ ही मैंने थोड़े से बलून्स भी लगा लिए कलरफुल, जो कि बहुत प्यारे लग रहे थे। अब बारी थी ड्रेस। तो ड्रेस हमारे पास वैसी नहीं थी, इसीलिए हमने घर पे ही जितने कलर्स हमारे पास अवेलेबल थे उसके साथ ही अपनी ड्रेस को कलरफुल बनाने की सोची, और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारी भी लग रही है। तो अब सबसे पहले ब्रेकफास्ट करना था, तो ब्रेकफास्ट जब तक हमने तैयार किया तब तक हम खुद उतने ज़्यादा रेडी नहीं थे। तो जो भी ड्रेस हमने पहन रखी थी उसी में हमने कम से कम अपना कलरफुल ब्रेकफास्ट तो यहाँ पे तैयार कर लिया। चलो शुरू करते हैं। ये देखो ये कैसा लग रहा है, वाओ। कोशिश की है सारे रंग इस पे डालने की, जो जो हो पाया। ब्लू कलर का कोई फ्रूट मुझे नहीं लगता है। तो शुरू करें, आप भी शुरू कर सकते हैं। चलो खाना शुरू करते हैं। मेरी टेस्टी भी होगी ना? हाँ। तो कैसे खाऊं? ना जो शुरू करो, शुरू करो ना। रेनबो चैलेंज वीडियो की रिक्वेस्ट जो सबसे पहली आई थी वो थी मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर जिया मेहता की ओर से। उसके बाद मेरी और भी सब्सक्राइबर्स ने सेम रिक्वेस्ट की, तो थैंक यू सो मच आप सभी को। आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ मैं ये रेनबो चैलेंज वीडियो, जो कि होली स्पेशल भी रहेगा। आई होप कि आप इसे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। निकाल लो ऐसे। क्या लग रहा है गाइज आपको? फ्रूट्स काफ़ी कलरफुल है ना। मैंने कोशिश की हर एक कलर का फ्रूट लेने की, जितना हो पाया मैंने किया। अब देखिए आर्यन कैसी बदमाशी कर रहा है मेरे साथ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ी सी बदमाशी कर लूँ। तो गाइज आफ्टर ब्रेकफास्ट जो छोटी सी भूख लगती है ना लंच से पहले, उस पर हमने क्या खाया चलिए आपको दिखाती हूँ। और हाँ देख लीजिए, मैंने पूरा कलर्स लगा लिए हैं। कोशिश की है कि रेनबो कलर्स सारे जो है वो मैं अपने लगा लूँ चीक्स में, जितने हो सके मैंने किया, क्योंकि होली भी आ रही है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा होली का भी सेलिब्रेशन हो जाए। तो चलिए ब्रेकफास्ट के बाद और लंच से पहले हम क्या खाते हैं वो आपको दिखाती हूँ। आर्यन को थोड़ी सी भूख लगी है, तो ये थोड़ा बहुत आर्यन का है। ये इसने जेम्स रखे हुए हैं, और ये डोनट है, और ये कैंडीज वगैरह है, ये आर्यन खाएगा। साथ में आर्यन के लिए है यहाँ पर वाटरमेलन जूस, और मेरे लिए है
सैलेड। मैंने सारे कलर्स कोशिश की है, पर ब्लू कलर का कोई फूड होता है मुझे नहीं पता, होता होगा तो मुझे आइडिया नहीं है, तो जितना हो सका मैंने किया। ये मेरे लिए सैलेड है और यहाँ पर मेरे लिए बीटरूट जूस है। तो बस अब हम खाना शुरू करते हैं। तो आर्यन आप रेडी हो? एक्साइटेड? ऊपर दिखा दूँ आपको कितनी खूबसूरती से मैंने रेनबो कलर्स के लिए और क्या कुछ नहीं किया। देखिए मेरे जितने भी दुपट्टे हैं उसे सजा दिए, बलून्स वगैरह थे वो भी मैंने सजा दिए। तो आप क्या खाने वाले हो पहले? सबसे पहले खाते हैं टोमेटो। इतने सारे कलर्स है इसमें है ना, वाओ। और ये क्या पहना आपने हाथों में? ओ हाँ, रेनबो रेनबो बैंड्स। मेरे बैंड्स लगा लिए अपने सारे रेनबो बैंड्स। बिंदी भी लगा ली। हाँ बोली है ना थोड़ी सी तिलक। चलो आप कैंडीज खाओ और मैं खाती हूँ सैलेड। जब दिन की शुरुआत अच्छी होती है ना तो सारा दिन अच्छा बीतता है, मन अच्छा रहता है, अच्छी अच्छी चीज़ें खाने का मन करता है। हमने ब्रेकफास्ट में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी कलरफुल फ्रूट सैलेड खाया और अब लंच से पहले भी मैं यहाँ पर वेज सैलेड खा रही हूँ विद जूस, टेस्ट भी हेल्थ भी। तो अब देखिए कि मेरा दिन कितना अच्छा बीतने वाला है। येलो व्हाइट ऑरेंज व्हाइट रेड व्हाइट पिंक एंड व्हाइट। टी शर्ट के ऊपर जो है ना हैंड प्रिंट, ये आर्यन के हैंड्स है, उसने प्रिंट करी है आर्यन की भी टी शर्ट। मैं हेल्दी हेल्दी फ्रूट्स और सैलेड जूस ये तो खा ही रही हूँ, साथ ही साथ आर्यन मेरी तारीफ़ कर रहा है तो मैं थोड़ा सा भाव भी खा रही हूँ। तो लगता है इस चैलेंज के बाद मैं तो थोड़ी सी मोटी होने वाली हूँ। देखो ये जो टी शर्ट है ये आर्यन ने बनाई है, मतलब टी शर्ट तो मैंने खरीदी थी, बहुत पुरानी हो गई थी तो मेरे पास रेनबो टी शर्ट नहीं थी ना ही आर्यन के पास थी और मार्केट जाने का टाइम नहीं था, तो इसी टी शर्ट के ऊपर कलर करके यू नो आर्यन ने अपने हैंड प्रिंट्स दिए हैं। बहुत ही प्यारी लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। और साथ में मैंने ये स्कार्फ ले लिया है जो थोड़ा सा कलरफुल है, जो तैयारी है सारी रेनबो कलर्स में की है मैंने। फूड जितने भी हमने आज बनाए हैं घर में, खाना बनाया, कोशिश की है कि वो रेनबो कलर्स का हो, लेकिन सब कुछ रेनबो कलर्स का नहीं हो सकता, सारी चीजें नहीं मिलती, इसलिए जितना मैं कर पाई उतना मैंने किया। पहले ये खत्म कर ले उसके बाद सोचेंगे कि लंच के लिए हम क्या क्या तैयारी करें। तो मिलती हूँ आपसे लंच के टाइम में। गाइज एक बहुत अच्छी चीज़ अभी अभी आर्यन को नज़र आई, मैंने तो नहीं देखा था ये, अब देखिए आर्यन के पैर में पता नहीं रेनबो कलर्स कहाँ से इस तरह से आ गए हैं। देखिए शायद धूप की वजह से कितने खूबसूरत लग रहे हैं। देखिए हम रेनबो चैलेंज कर रहे हैं और यहाँ पर देखिए पैरों में आर्यन के हैं किस तरह से रेनबो के कलर्स आ रहे हैं। वाओ भगवान भी हम पे मेहरबान है। देखो मेरे हाथ पे आपको दिख रहा होगा पूरा, ये देखिए है ना बहुत बड़ा एक चमत्कार। वाओ वेरी नाइस। तो अब लंच की तैयारी भी कर ली जाए तो लंच में हम खाने वाले हैं साउथ इंडियन खाना। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो घोल तैयार किया है वो इडली के लिए है, येलो के लिए मैंने टर्मरिक और कॉर्न डाला है और इंडिगो कलर के लिए मैंने यहाँ पर बीटरूट जूस डाला है,
ग्रीन के लिए मैं ग्रीन चटनी डालने वाली हूँ। जितना हो सके मैंने कोशिश की है नेचुरल कलर डालने की, और जिसका मैं अरेंज नहीं कर पाई, जो मुझे नहीं मिल पाया, उसके लिए मैंने एडिबल जो कलर्स आते हैं वो डाले हैं। पर कलर्स मैंने बहुत ज़्यादा नहीं डाले हैं, बहुत ही थोड़े थोड़े कलर्स डाले हैं। तो इडली बन चुकी है, कलरफुल इडली, और अब बनने वाले हैं कलरफुल मसाला डोसा। तो देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ये डोसा का कलर, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। बारी आ गई है लंच की, तो लंच में मैं आपको दिखा दूँ क्या है। साउथ इंडियन बनाया है मैंने, इडली और डोसा, सांबर, चटनी सब कुछ है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। जितने हो सके मैंने यहाँ पे कलर्स लाने की कोशिश की है, ये देख सकते हैं आप, कलरफुल इडलीज है यहाँ पे, और ये है सांबर, और यहाँ पे कलरफुल मसाला डोसा, यहाँ पे नारियल की चटनी, ग्रीन चटनी एंड रेड चटनी। तो ये सारा लंच अब हम यहाँ पर करने वाले हैं। सोचे होंगे कि ये ग्लासेस यहाँ पर क्यों रखे हैं, तो ये बहुत प्यारे कलरफुल ग्लासेस थे, तो मैंने सोचा इसे भी यहाँ पर रखा जाए, अच्छा लगेगा। ये सब ग्लासेस भी कलरफुल, पीछे के दुपट्टे भी कलरफुल, बलून्स भी कलरफुल लगा दिए हैं, ड्रेस भी कोशिश की है कलरफुल पहन ले, और इनके हाथ में भी आप देख सकते हो उसने मेरे सारे रबर बैंड्स लगा दिए कलरफुल, और खाना भी कलरफुल, और साथ में आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर भी कलर्स लगा लिए हैं, पर आर्यन को नहीं लगा दिए क्योंकि बच्चे की स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव होती है ना, तो मुझे लगता है कुछ हो ना जाए स्किन में, इसीलिए उसे मैंने नहीं लगाया है। तो चलिए अब लंच शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ब्लू कलर की इडली खाएंगे हम, और उसके बाद सारा डोसा, सारा तो नहीं खा पाऊंगी पर एक एक बाइट सबकी जरूर खाऊंगी, पेट इसमें ही मेरा भर जाने वाला है। तो शुरू करते हैं इडली से, टेस्ट में कोई फर्क नहीं है, जैसे हमेशा मैं बनाती हूँ टेस्टी वैसी है, और कलर्स मैंने बहुत ज्यादा नहीं डाले हैं क्योंकि बहुत ज्यादा फूड कलर खाना ठीक नहीं है। फिर भी बहुत कोशिश की है कि किसी किसी में मैं नेचुरल कलर डाल दूं, जैसे ग्रीन में मैंने फूड कलर नहीं डाला है, उसमें मैंने ग्रीन चटनी डाली है, येलो वाले में मैंने हल्दी डाल के येलो किया है, और जो ये मैंने इंडिगो कलर करने की कोशिश की थी जो कि हुआ नहीं है पूरी तरह से, उस पर मैंने बीटरूट जूस डाला हुआ है। कोशिश की है कि कलर्स का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करूं। तो अब किसके साथ खाऊं, ये हो गई नारियल की चटनी, अभी खाओ, क्यों नहीं इसका ना, वो सब खाते पेट भर गया, कैंडीज वगैरह खाते पेट भर गया, तो वो ये सब नहीं खाने वाला, पर खाना चाहिए आपको। खाते जाओ अपने गुण गाते जाओ अपने मुंह मिया मिठू। अरे मैं खाऊं, ओके दूसरा कौन सा कलर का खाऊं, येलो, बहुत क्यूट सा है ना, बिल्कुल आर्यन जैसा छोटू सा ही, आपको डोसा एक बाइट एटलीस्ट खाना चाहिए, वन बाइट नहीं कोई बात नहीं मैं खा लेती हूँ। तो इसे मैं खाती हूँ येलो को, मैं ग्रीन चटनी के साथ, बहुत टेस्टी बना है, सिर्फ थोड़ा सा जो फूड कलर डाला है वो चेंज हुआ है इसमें, अदरवाइज टेस्ट वगैरह बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। तो अब मिलेंगे हम शाम को, डिनर से पहले शाम को भी तो कुछ खाना होगा ना, शाम को क्या कलरफुल खाएंगे वो आपको पता चलेगा कुछ घंटों बाद। अब हम ये खाने के बाद थोड़ा सा नीनी करेंगे, उसके बाद आपसे मिलेंगे, है ना। शाम के लिए मैंने क्या बनाया है, हल्की हल्की भूख है, बहुत ज़्यादा भूख नहीं है मुझे भी, मैंने भी काफ़ी ज़्यादा खा लिया था, इडली डोसा सांभर बहुत ज़्यादा खा लिया था, तो हल्की फुल्की भूख के लिए मैंने क्या बनाया है वो दिखाती हूँ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपने मेरे इयररिंग्स नोटिस किए या नहीं, देखिए कितने कलरफुल इयररिंग्स मैंने पहने हैं, जा रहा है ना अपनी थीम के साथ। तो जब सब कुछ कलरफुल है, कोशिश की है बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कलर्स आज सारा दिन मैं अपने आसपास रखूँ, तो बहुत मज़ा आ रहा है मुझे। ये जो मैंने रेनबो फूड कलर चैलेंज लिया है ना, ये बहुत ज़्यादा थकाने वाला था मेरे लिए, मुझे इसकी तैयारी में 3 से 4 दिन लग गए, उसके बाद वीडियो शूट होने में 2 दिन लगे, एडिटिंग में मुझे 2 से 3 दिन लगने वाले हैं, तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा थकाने वाला था। तो मैंने और भी बहुत ज़्यादा सोच रखा था, पर
नहीं हो पाया, तो चलिए शाम का दिखाती हूँ नाश्ता क्या है मेरा। यहाँ पर मैंने पास्ता की तैयारी करके रख ली है, ये पास्ता बॉईल कर लिया है और यहाँ पर मैंने जो जो वेजीज इसमें डालनी है वो भी तैयार करके रख ली है। बीट भी डालेंगे एंड में, क्योंकि वरना अगर शुरू में डाल देंगे तो बीट का ही पूरा कलर पास्ता में आ जाएगा, इसीलिए इसे एंड में डालेंगे। मैं बना रही हूँ पास्ता, मैंने व्हाइट ऑयल में डाल दिया कैरेट, बेल पेपर्स और थोड़ा सा हल्का सा सौते कर लिया है इनको, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है पास्ता। पास्ता को हल्का सा मिक्स कर लो और उसके बाद इसमें डालना है सॉल्ट और ब्लैक पेपर, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बस इतने में ही ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगेगा ना, क्योंकि इसमें जो हमने ना बेल पेपर्स वगैरह डाले हैं ना, कैरेट डाली है, उसके साथ ही इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। शाम के नाश्ते के लिए है पास्ता, बहुत सारी वेजीज मैंने इसमें डाली हुई है, आप देख सकते हैं। ये बेल पेपर है, रेड, येलो, कैप्सिकम डाला हुआ है, कैरेट डाली है, कॉर्न डाला है और मैंने इस पे बीट भी डाली है और साथ ही साथ मैंने इसमें धनिया पत्ता भी डाला है ताकि ये बहुत ज़्यादा कलरफुल हो जाए। ब्लू कलर का कुछ नहीं था तो मैंने ये ब्लू कलर का छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा बॉल ले लिया है और ये रेड कलर का आप देख सकते हैं ट्रे की तरह है, इस पे मैंने इसे रखा है और साथ में इसमें डलेगा सॉस और अब इसे मैं खाने वाली हूँ। वाओ, अब डिनर की तैयारी कर लेते हैं, साथ ही साथ हमें अपना डेजर्ट भी बनाना है, तो डेजर्ट के लिए मैं बनाऊंगी रेनबो केक और ये केक की क्रीम मैं तैयार कर ले रही हूँ। पहले क्रीम तैयार करूंगी और उसके बाद बैटर तैयार करके केक बनाऊंगी और उसके बाद डिनर बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने ये केक का बैटर रख लिया अलग अलग कटोरियों में, 7 कटोरियों में फूड कलर्स इसमें डाल रही हूँ। सबसे पहले जाएगा रेड, फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट कलर। तो यहाँ पे मैंने कप्स में भी ये केक का बैटर डाल लिया है और आप देख सकते हैं कि रेनबो केक जो है कितना खूबसूरत लग रहा है। अब ये जाएगा माइक्रोवेव के अंदर और फिर देखते हैं ये कैसा केक बन करके तैयार होगा। तो ये प्रीहीटेड ओवन के अंदर गया मेरा केक और साथ ही मैंने जो ये मोल्ड्स में केक डाल के रखे हैं ना कप केक बनने के लिए, वो भी रख दिया है। 30 मिनट्स का टाइम सेट करेंगे और बस केक रेडी है। वाओ, कितना खूबसूरत लग रहा है ना। ऊपर की लेयर मैंने हटा ली, बीच से जब केक को कट किया ना, वाओ कितना खूबसूरत लग रहा है गाइस, बहुत प्यारा लग रहा है ये केक। ओके, ज़्यादा भावनाओं में मत बहो, आगे बढ़ते हैं। तो हम डिनर के लिए बना रहे हैं पिज़्ज़ा, कलरफुल पिज़्ज़ा बनेगा हमारा। मेयोनीज डाल दी है मैंने पिज़्ज़ा बेस के ऊपर, उसके बाद मैंने डाल दिया है टोमेटो केचप और उसके ऊपर जाएंगी सारी वेजीज। बीट रूट नहीं डलता है मुझे पता है, पर सिर्फ कलर के लिए मैंने यहाँ पर डाल दिया है बीट रूट। उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला है बेल पेपर, कॉर्न डाला है और क्या डाला है, बस यही सब डाला है। ऊपर से मैंने सॉल्ट डाल दिया, ब्लैक पेपर डाल दिया, चिली फ्लेक्स डाली है और डाल दिया है मैंने ओरिगेनो और इसे भी अब हम रख देते हैं माइक्रोवेव के अंदर 10 मिनट के लिए और उसके बाद रेडी हो जाएगा हमारा पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा भी मैं बेस जो है वो घर पे खुद ही बनाती हूँ, पर बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये वाला जो रेनबो कलर फूड चैलेंज मैंने लिया है ना, इसीलिए मैंने बेस नहीं बनाया है, मुझे टाइम नहीं मिल पाया तो मैं बाहर से ही पिज़्ज़ा बेस ले आई थी। केक और ये रही बहुत सारी कलरफुल क्रीम्स। अब जो है केक को थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं। यहाँ पर थोड़े से जेम्स बचे हुए हैं दिन के, थोड़ी सी चेरी है, मुझे आर्यन का ये आइडिया बहुत अच्छा लगा था इसीलिए अब मैंने इसे पहन लिया है। तो अब केक को थोड़ा सा डिज़ाइन कर लेते हैं।
आप सोचोगे कि कलर काफ़ी हल्के हैं, तो सच में मुझे ना मन ही नहीं करा था ज़्यादा से ज़्यादा कलर्स डालने का, तो थोड़े कम कम कलर्स डालने के चक्कर में ना एकदम से डार्क कलर्स नहीं आए हैं, पर कलरफुल तो हो गया। जब रेनबो भी कभी कभी हल्के कलर में आता है ना, तो आप समझ लो कि ये हल्के कलर का रेनबो फूड है। तो यहाँ पर देख सकते हैं केक को मैंने बहुत अच्छी तरह से डिज़ाइन कर लिया है क्रीम के साथ, और ये हमारा केक हो गया है रेडी। डिज़ाइन तो आप ही के ऊपर है, चाहे कैसा भी कर लो। तो डेजर्ट रेडी है, रेनबो केक बना चुकी हूँ मैं, और साथ ही साथ डिनर के लिए मैंने बनाया है पिज़्ज़ा। कलरफुल है, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में, टेस्टी भी होगा मुझे पता है। और गाइस केक के ऊपर की जो लेयर थी ना, उसे भी मैंने डेजर्ट के लिए रख लिया है। देखिए लग रहा है ना कितना खूबसूरत। तो डिनर के लिए ये है पिज़्ज़ा, ये हम डिनर पे पिज़्ज़ा खाने वाले हैं, और उसके बाद डिज़र्ट के लिए जो चाहिए मीठा, तो उसके लिए मैंने यहाँ पर केक बनाया है। रेनबो केक है ये, जो कि मैंने घर पे ही बनाया है, और साथ में ये कपकेक्स बनाया है जिसपे मैंने कोई क्रीम नहीं लगाई है, बस ये कलरफुल ये मोल्ड है इसलिए मैंने इसके अंदर ही रहने दिया है। और साथ ही साथ ये भी केक ही है जो ऊपर से कट होता है, वो भी मैंने यहाँ पर रख दिया, जो कि बहुत बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये सब मैंने डिज़र्ट के लिए रखा, और ये है हमारा डिनर। तो सबसे पहले पिज़्ज़ा, ये पिज़्ज़ा वाओ, देखिए गाइस कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा। सॉरी गाइस, आर्यन इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं करेगा क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, अब इसे मैं कंटिन्यू करूँगी। ओके बेटा, होममेड पिज़्ज़ा चीप एंड बेस्ट। छोटे में बहुत सारे कलर्स है, अरे इनका आइडिया मैंने चुरा लिया। हैप्पी बर्थडे टू यू करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, केक है केक शेक है तो फिर मंगाओ जी, ऐसे ही तुम बोलते रहोगे ना 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 ना। हैप्पी बर्थडे टू यू जी, मैं कट करूँ या आप करोगे? हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे टू मी, ही खूबसूरत है, इसे थोड़ा सा खा करके देखा जाए। मैं क्रीम नहीं खाऊंगी, मुझे क्रीम उतनी पसंद नहीं है, तो क्रीम को हटा दिया जाए और सिर्फ केक को। केक देखिए अंदर से लग रहा है ना पूरा कलरफुल होममेड केक है, इससे अच्छा और क्या बनेगा। बहुत सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा यमी है। सच में सारा दिन हमने बहुत मज़ा किया, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें खाई, बहुत कलरफुल चीज़ें खाई, सब कुछ मैंने घर पे बनाया था। कुछ चीज़ें जो घर पे नहीं बन सकती थी वो बाहर से लाई हूँ, और बहुत ही कम मैंने फूड कलर का इस्तेमाल किया है, कोशिश की है कि बहुत ज़्यादा ना करूँ। तो मैंने इस तरह से बहुत अच्छी तरह से किया, अब पता नहीं आपको कैसा लगेगा ये केक आप सबके लिए। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस मेरे माइंड में और भी बहुत सारे आइडियाज़ थे, पर यू नो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, और अकेले किसी के लिए भी इतनी सारी चीज़ों का अरेंज कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। खुद ही मुझे सारी चीज़ें लेने के लिए जाना पड़ा मार्केट में, और जो भी चीज़ों की ज़रूरत थी सारा ही मैंने खुद ही इधर उधर से किसी तरह से जुगाड़ लगा कर कम्प्लीट किया ये चैलेंज।
पर और भी ज़्यादा चीज़ें आप इनमें ऐड कर सकते हो, जैसे कि आप आपके पास अगर कोई पुरानी गॉगल्स वगैरह है तो उसमें आप रेनबो कलर्स लगा सकते हो, ग्लासेस में सारे कलर्स उसमें आर्ट कर सकते हो, और आईलैशेस भी आप वो फेदर वाले आईलैशेस होते हैं ना उसमें रेनबो कलर्स लगा सकते हो, आई शेडो लगा सकते हो, रिंग पहन सकते हो, नेल पेंट लगा सकते हो। बहुत कुछ आइडियाज़ थे मेरे माइंड में पर टाइम की कमी के कारण मैं नहीं कर पाई। बहुत ज़्यादा थका देने वाला चैलेंज था ये, अकेले इंसान के लिए थोड़ी सी मुश्किल हो जाती, पर फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। प्लीज़ गाइस मेरी मेहनत को थोड़ा सा देखिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा अपनी सभी फ्रेंड्स के साथ जिन्हें इस तरह के चैलेंज वीडियोज़ देखने में मज़ा आता हो। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे आने वाले सभी वीडियोज़ की अपडेट्स आप तक बराबर पहुँचती रहे। और मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो ज़रूर से कर लीजिएगा, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है glampetals_jyoti। एक चीज़ रह गई है, वीडियो एंड हो चुकी है, सारा दिन मैंने बहुत कुछ खाया है और अब एंड में मैं ये खाने वाली हूँ। देखिए ये मीठी सौंफ है, काफ़ी ज़्यादा कलरफुल है, तो क्यों ना एंड इसके साथ किया जाए, अच्छी है ना। तो मिलती हूँ आपसे अपने अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।